हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए पावरफुल वीडियो में। मेरे प्रिय, उस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है। वीडियो को आंख खोल कर देख लेना, ठीक है? मजाक मस्ती अपनी जगह, ठीक है भैया? क्योंकि अब हम विषय ही अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम मिलता नहीं है मेरे प्रियो, ठीक है? कभी प्रेयर डालते हैं। आज हम विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, विषय को पूरा सुने, देखे लास्ट तक देखे, ठीक है भैया? समय कम है और दिन बुरे हैं। शैतान भी अपना तीर मसीहों के ऊपर बहुत जोरों से चला रहा है मेरे प्रियो। शैतान नहीं चाहता कि आप स्वर्ग जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं, क्योंकि आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बता दिया गया कि समय कम है, दिन बुरे हैं, क्योंकि यीशु का आना बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसलिए यीशु के पास लौट आइए, पाप से फिरते हुए लौट आइए, वरना थोड़ी सी मजा अनंत काल की सजा दी जाएगी। याद रखना इस बात को, याद रखना। अगर किसी दिन अगर आपका उद्धार नहीं होगा मेरे प्रियो, ध्यान से वीडियो देखें, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए सीधा सीधा नर्क में जाना पड़ जाएगा। अगर एक वर्ष नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए, कोई वहाँ से दोबारा निकालने के लिए नहीं आएगा। उस धनवान की तरह एक बूंद प्यास के कारण आपकी जीव बैठेगी, इतना हाहाकार मचा होगा उस अधलोक में। उसमें हजारों करोड़ सैकड़ों आत्मा तड़पती होंगी। आज लोग यीशु का मजाक बना के रख दिया है, ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा उस समय अनंतकाल की आग में। समय रहते हुए लौट आइए मेरे प्रियो, यीशु ने कहा था। यीशु ने कहा है, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरी आज्ञाओं को भी माने। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, ऐसे कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। यीशु ने कहा, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता मेरे प्रियो। देखिए, नर्क की आग एक या दो दिन के लिए नहीं है मेरे प्रियो, हमेशा हमेशा के लिए युगान युग की है। याद रखना, अगर आप अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हैं तो याद रखना, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको मसीह विरोधी के दिन में जब अंतिम न्याय करेगा स्वच्छ सिंहासन के सामने, तब उसको हमेशा हमेशा के परमेश्वर उसको आग में नंगा ही डालेगा, आग में नंगा ही डाल देगा। वही शरीर पहना के जिस शरीर में आपने व्यभिचार और गलत काम किया होगा इस पृथ्वी पर। नर्क में जाना अच्छी बात नहीं है, नर्क में जाना आसान बात नहीं है। वहाँ अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाएगा। जो लोग आज गए हैं मरकर, जो लोग कल गए हैं मरकर, वे दुआ कर रहे हैं, काश कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार यहाँ ना आए। बहुत हार्ड डाक होगी वहाँ की, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है मेरे प्रियो। जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने आया, तब शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर से रोटियां बन जाए। तब यीशु ने शैतान को वचन से हराया मेरे प्रियो। यीशु ने शैतान से कोई लड़ाई नहीं की, कभी लड़ाई नहीं की, सिर्फ उसको वचन से हराया मेरे प्रियो। अगर आपको पाप से निकलना है, बाहर निकलना है, तो परमेश्वर के वचन से शैतान को हराइए, क्योंकि शैतान को तलवार और लड़ाई करके नहीं हराया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको वचन से हराया जा सकता है, वचन से हराया जा सकता है। फिलिपियों की पत्री में लिखा, पौलुस ने बताया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और उन अधिकारियों से है, और आत्मिक सेनाओं से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। मेरे प्रियो, वचन साफ बता रहा है मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई मसीह भाइयों से नहीं है, बल्कि उन शैतानों से है, उन शैतानों से जो आपको पाप में गिराती है, निरंतर पाप में गिराती है, पाप करवाने से मजबूर कर देती है मेरे प्रियो। हरा दो शैतान को वचन से यीशु की तरह, क्योंकि मेरे प्रियो समय कम है, दिन बुरे हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप स्वर्ग या अनंत काल का जीवन पाए। शैतान का न्याय ऑलरेडी पहले से कर दिया था भैया, वो तो नर्क में जाएगा ही, क्यों अब आप उसकी आवाज सुन के नर्क में जाना चाहते हो भाई? वह एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, कि हमेशा हमेशा के लिए युगान युग के लिए डाल दिया जाएगा, और ऊपर से नर्क का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। सुधर जाओ, लौट आओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। आस लगाए बैठा हुआ है कि मेरा बेटा अब सुधर जाएगा, लौट आएगा मेरे पास। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।